तो अभी हम लोग केव की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं केव की तरफ। इधर से निकले, हम म्यूज़ियम से निकले हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं केव की तरफ। ये है केव अलकारा। हाँ, ये दिखा रहा है, इधर से ही लिखा हुआ है टू द केव। इधर आपको केव जाने के लिए ये लिखा है टू द केव। और ये पूरा केव का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है केव। यहाँ पर लोग अपना काउंटर बना कर रखा है। ये पूरा एसी का मशीन है, एसी वैसी सब लगा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं केव की तरफ, ज़बरदस्त। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं केव में, केव की तरफ। हमने ले लिया, नेशनल डे है तो इसीलिए गावा देकर स्वागत कर रहे हैं लोग। यहाँ पर टूरिज्म के लिए कुछ लिखा हुआ है जो कि कुरान से है पूरा। यहाँ पर कुरान के कुरान से कुछ लिखा है, सूरह अल फसिलत। आप इधर का नज़ारा अलकारा के, ये रहा अलकारा माउंटेन, बहुत ही खूबसूरत। जो इसी तरह के है केव, केव के अंदर गर्मी नहीं है, अंदर जितना बाहर जितना भी टेम्परेचर रहता है, कभी कभी 50 डिग्री भी रहता है टेम्परेचर, तो अंदर गर्मी नहीं रहता है, अंदर पूरा वही 20 डिग्री का टेम्परेचर जैसा है, जैसे मिस्र के पिरामिड में रहता है। ये इधर है, जैसे मिस्र के पिरामिड में रहता है वैसा ही रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता है इधर। तो ज़बरदस्त नज़ारा है, ज़बरदस्त नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये है जबल अलकारा, जो कि सऊदी अरब के अलहसा सिटी में, यह है अलहसा सिटी में, जो दमम से 200 किलोमीटर, और दमम में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर फार है यहाँ से जबल अलकारा। जो अलकारा पे भी आप गूगल मैप में सर्च करेंगे अलकारा बोल के, अलकारा हिल बोल के मिल जाएगा आपको। तो ज़बरदस्त लोकेशन है, देखने में भी जब बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे ग्लास का सब, देख सकते हैं ग्लास के इधर पूरा स्क्वायर स्क्वायर ग्लास लगा हुआ है। हाँ, हम लोग 115 पे किए हैं दोनों के लिए, जो कि 15 रियल टैक्स है, और 100 रियल हम दोनों का टिकट है, मतलब 50-50 करके, बट अभी टैक्स लगा है 15%, तो 15% टैक्स देना पड़ा हम लोगों को घुसने के लिए भी। व्हाट ए लोकेशन। हाँ, ये भी देखिए अंदर। तो ये है अलकारा के गुफा केव। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं केव के, केव भी दिखने में बहुत अच्छा है। तो मेरा फ़ोन हीट हो जाने की वजह से थोड़ा देर रुका इधर, थोड़ा टायर्ड हो रहा था, वो भी थोड़ा टायर्डनेस कम किया। तो अभी जा रहे हैं इधर ऊपर, देख सकते हैं इतना कैमरा भी शायद पहुँच नहीं पाएगा। बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है देखने में जगह, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है जगह केव। ये ऊपर देखिए, उतना ऊपर पूरा खाली खाली है। ओह, केव बहुत खूबसूरत है, जाने के लिए जगह है। इधर से हम लोग अभी अंदर जाएंगे केव। इधर का टेम्परेचर ज़बरदस्त है, नॉर्मल टेम्परेचर है, एकदम नॉर्मल 20 डिग्री करीब। वेदर एकदम, ये रहा केव का। ओह, एसी भी इतना ठंडा नहीं होता, वो बहुत ही ठंडा है। इधर अंदर देख सकते हैं, ओ केव में आए, केव में आए हम लोग, केव के अंदर। ये ऊपर है, ऊपर पूरा पहाड़, बीच में से काटा था पहाड़ को लगता है। ऊपर देखिए, ऊपर में काटा हुआ है पहाड़ ऊपर, ये देख सकते हैं, अब काटा है इसको पहाड़ को बीच में से थोड़ा। तो ये रहा, हम लोग केव के अंदर जा रहे हैं।
खौफनाक डरावनी, अंदर जा सकते हैं, डरावना जगह है एकदम। लेकिन बहुत सारा टूरिस्ट है अंदर, बहुत लोग हैं अंदर, बहुत 20-30 लोग हो गए करीब। ओह ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि अंदर बहुत ठंडा है, इधर अंदर अंदर बहुत ठंडा है, इधर भी है, ऊपर भी कैसे लाइट जला कर रखा है ऊपर, हाँ सर कैसे घुसा है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आया ऊपर देखिए। ओह बहुत ठंडा है अंदर, अंदर बहुत ठंडा है, इधर साइड साइड पर लाइट दिया हुआ है, इधर बच्चे का स्ट्रेचर है, ऊपर से इधर सीढ़ी भी बना के रखा है। ज़बरदस्त ठंडा है अंदर, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, ऊपर सीढ़ी लगा कर रखा है इधर अंदर जाने के लिए, सीढ़ी एक करके चढ़ो हम लोग, इधर एक रास्ता जाता है और इधर एक जाता है, तो पहले हम लोग इधर ही जाएंगे, इधर जाएंगे उन लोग जाते, हम लोग इधर जाते हैं बाद में, इधर जाएंगे पहले स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट उसके बाद ही उस तरह आएंगे। ये केव के अंदर है हम लोग, पूरा केव के अंदर, ये वाले सब नहीं शुक्र इधर ही चलिए, उधर जाके वापस जाएंगे ना, तो फिर ठीक है उधर ही चलिए, उधर ही चला, तो फिर थोड़ा अंधेरा दिख रहा है, हाँ थोड़ा अंधेरा दिख रहा है केव के अंदर, लाइट जल रहा है फिर भी अंधेरा दिख रहा है दिन में भी। इधर भी दो रास्ता है, किधर जाता है किधर जाता है, अभी भटक नहीं जाएंगे, हाँ एंड है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एंड है। तो ये केव के अंदर है, कैसे कैसे लाइट लगा के रखा है, जो सेफली है पूरा लाइट दिख रहा, अभी अच्छा है, ऊपर कैमरा लगा के रखा है, वाओ नाइस, ऊपर देख सकते हैं पूरा पहाड़, पहाड़ी पहाड़ है, डेंजरस सिचुएशन है, टूटेगा तो धस के बैठ जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जिंदा नहीं निकल सकते इधर से, इधर ही हम लोग ढेर हो जाएंगे। इधर भी रास्ता है और इधर एक है, और यहाँ से एक छोटा सा गली जैसे निकलता है, केव, हाँ उधर है और एक, थोड़ा इधर देख सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई गया क्या? हाँ ऊपर भी जाता है ना कोई, इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ, मत मत जाओ, इधर चले हम लोग अंदर, अंदर चले, इधर हम लोग आए, बच्चे लेके इतना ठंडी में भी बच्चा रो रहा है, अंधेरा दिख रहा है ना पूरा, इसीलिए ठंडा है अंदर, बहुत ठंडा है अंदर, कोई गर्मी नहीं है कुछ भी नहीं। ये साइड हम लोग पूरा घूम चुके हैं, एक साइड हो गए घूमा हम लोग, इधर एंड था लास्ट पे, इधर लास्ट था, उधर भी लास्ट है, ये साइड पर भी गया था, ये साइड भी लास्ट था, तो अभी हम लोग पहाड़ की तरफ, तो और दो रास्ता है उधर, वो दो रास्ता घूम के निकलेंगे, अभी थोड़ी देर रहेंगे उसके बाद ही थोड़ा वीडियो बना के फिर जाएंगे इधर से, क्योंकि एंट्री फीस है ना इसका, एंट्री फीस इंडिया के हिसाब से हम लोग का 1200 रुपये करके चार्ज कर दिया, 2400 रुपये दोनों का बस एंट्री का, कुछ ज़्यादा नहीं लेता। अभी इस रास्ते पे है हम लोग, जाने के लिए जगह है, जाने के लिए जगह बस है, तो उधर भी ख़त्म है, इधर से हम लोग अभी घूम के आए, अभी हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, उधर और एक था घुसने पे और एक रास्ता था उधर, उधर भी जाएंगे अंदर, बट टिकट बहुत महंगा था, और जो भी हो, हाँ इधर भी और एक रास्ता है अंदर जाने, इधर भी थोड़ा सा जाके ही एंड है, इधर बहुत ठंडा हुआ है, इधर आइए
यार है। इससे घुस के आते हवा, पहाड़ी से जो हवा होता है ना वो ऊपर से देखिए, वहां से हवा आते आते ऊपर देख सकते हो, ऊपर खाली है, वो पहाड़ के ऊपर है, चट्टानी चट्टान है, इतना ठंडा बाहर बहुत गर्म है। हालत देखा है, फोन बंद हो गया था, अभी इधर अंदर इतना ठंडा है, ऐसे से भी बेहतर ठंडा है। ये लोग फोटो खींचने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सऊदी ट्रेडिशनल ड्रेस, सऊदी सऊदी या ट्रेडिशनल ड्रेस। इधर जो हम लोग गए थे इधर, इधर नहीं गए थे ना, हाँ हाँ इधर नहीं गए थे, इधर भी ज़बरदस्त है गुफा। गुफा में कुछ नहीं, बस यही काट के पत्थर काट के रखा है लाइन करके, और कुछ नहीं। इधर भी दो रास्ता है केव के अंदर, ऊपर आसमान है, थोड़ा सा छेद है अंदर, ऊपर चट्टान के ऊपर से छेद हुआ है, इधर से भी और एक रास्ता है, दो रास्ता नहीं एक ही रास्ता, मुझे लगा कि दो रास्ता है इधर, इधर भी है अंदर, ये पहाड़ के अंदर से पूरा रास्ता बना हुआ है। लाइट भी वैसे मैनेज करके रखा है। ओ इधर ख़त्म रास्ता, इधर ख़त्म है, क्या है वैसे अंदर? कुछ नहीं है, बस बंद है, ये पूरा रास्ता ख़त्म है, लाइट ऑन करो, ये रास्ता इधर, लाइट भी नहीं दिख रहा मेरी ओपन, लाइट है इधर, इधर अंधेरा पूरा छाया हुआ है, और मैं इधर आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा गर्म है, ठंडा नहीं है उतना, इधर लाइट का कोई व्यवस्था नहीं कर पाया, डेंजर एरिया है। इधर और भी जाता है अंदर गुफा के ऊपर है, और इधर अंदर गुफा के, मेरा टॉर्च नहीं दिखा रहा, क्यों टॉर्च ऊपर दिखाएगा ना, नहीं दिखा रहा, नहीं ऐड कर, ऐड करना पड़ेगा, साइड पे शायद इधर से ये वो गए थे हम लोग, मैं गया था अभी उधर से, यही रास्ता है वो, और कुछ नहीं, उधर वाला रास्ता नहीं है। अभी इधर से निकले, बहुत ही डेंजर डर लग रहा है उधर गुफा के अंदर जाने में, और बहुत अंधेरा है। ये आराम से आपको पैर में दुख है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, तो उधर अंदर से निकल गए हम लोग। हाँ वो देख सकते हैं हम लोग, पत्थर आके अटका हुआ है, कभी भी वो छूट सकता है, थोड़ा सा अर्थ को एक आएगा तो वो छूट के नीचे गिरेगा, बिल्कुल उसमें कोई दोहरा ही नहीं, सीधा नीचे गिरेगा, उसमें कोई दोहरा ही नहीं कि अर्थ को एक आएगा तो वो गिरेगा, उसमें कोई दोहरा ही नहीं, थोड़ा सा भी अर्थ को एक आएगा तो वो गिरेगा फटाक से नीचे। और बहुत सुनसान है, साउंड प्रूफ है लगता है, ऐसा लग रहा है कि साउंड प्रूफ है, साउंड कहीं नहीं जा रहा है, इधर गूंज रहा है साउंड पूरा, इधर ही साउंड गूंज रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। सही है। अलकारा सऊदी नेशनल डे का पूरा ड्रेस पहन के आया है लोग, बच्चे लोग पूरा सऊदी, आज सऊदी नेशनल डे 23rd सितंबर है, सितंबर के 23rd पे होता है सऊदी नेशनल डे, तो ये लोग इसीलिए ग्रीन पहने हैं, सऊदी नेशनल ड्रेस, फ्लैग ड्रेस। ये सब लोग आए, सब लोग सऊदी नेशनल ड्रेस पहना हुआ है। इधर जा गए थे ना, नहीं गए थे ना, आ जाइए, एंड है इधर, हम लोग फिर उसके बाद नहीं गए ना, इधर पहले देखा हम लोग, फिर इधर सर नहीं गए थे, ये एंड है उसका, ये बाहर निकलने का रास्ता है, अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। अभी ये हुआ पूरा अंदर का नज़ारा, घूम के आ गए हम लोग, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, जो यहाँ से सीढ़ी से होके होते हुए जाएंगे, ये सीढ़ी बना के दिया है इधर। इसको बताने का मकसद ये है कि जो सिविलाइजेशन पहले के ज़माने में थी, जिसके पास घर घर का वो नहीं था, ओके, घर से घर होने के पहले का दौर है, जो आदमी लोग घर बन के रहते थे ना, उसके पहले का दौर है, जो गुफा के अंदर आदमी लोग रहते थे कि कैसे रहते थे। सो मेन मकसद यही बताने का कि आप भी विज़िट कीजिए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, अल्हासा के अंदर। ओह क्या डेंजर है,
डेंजर है एकदम पूरा सिचुएशन। वाओ सही है ना रास्ता, हम लोग भुला तो नहीं कहीं पे, भटक ना जाऊँ हम लोग अंदर, कहीं खो ना जाऊँ, खो जाएंगे तो खलास, कहाँ खो जाएंगे हम लोग। ओह ये लोग शायद इंडियन है, इंडियन है, फोटो खींच रहे इधर, इंडियन है लोग, पूरा केरला है। या गुड पोस्ट, गुड पोस्ट, गुड डन, वेल डन, थैंक यू। They are from America maybe. Oh, they are mostly, they are Filipinos. Yes, he is the guide. Yes. Where are you from? Hello. There. Where are you from? From Italy. Italy? Yeah. Wow. Wow. What's your name? They are from Italy. They are my friends. Say hello. Sofia e Susan. Susan. So, yes. Puedo, puedo hablar español? No. No? No sabes? Where are you from? I'm from India. Tourism from Italy. Italy, oh. Yes. They came from Italy. Welcome to Kingdom of Saudi Arabia. Okay. तो इधर अभी आखिरी है, थोड़ी देर बैठा है हम लोग, अंदर से घूम के आके इधर से अंदर से घूम के आए हम लोग, अभी इधर थोड़ा बाहर बैठे थे। ये ऊपर का नज़ारा देखिए, तो अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल के अभी बाहर जाने के, बाहर में और एक मस्जिद है, वो मस्जिद की तरफ जाएंगे अभी। तो अभी उस मस्जिद की तरफ जाएंगे, मस्जिद की तरफ जाएंगे अभी।